टिकटॉक फेमस होने के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, और टिकटॉक पर जो इंसान अपना अकाउंट बनाता है उसके बस एक ही ड्रीम होता है कि वो किसी तरह से फेमस हो जाए, और इसीलिए लोग अपने टिकटॉक अकाउंट पर वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। लेकिन टिकटॉक वीडियोस बनाते वक्त कुछ लोगों के कैमरे में कुछ ऐसी वीडियोस रिकॉर्ड हो गई जो बहुत ही ज्यादा डरावनी है। ये वीडियो हमारे टिकटॉक स्केरी वीडियो सीरीज का सेकेंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट हम पहले अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। आज इस वीडियो में हम टिकटॉक की कुछ स्केरी वीडियोस के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहना, क्योंकि नंबर 1 पर जो वीडियो है उसे देखकर किसी की भी रूह कांप सकती है। नंबर 8, इस वीडियो को कैला शाही नाम की एक लड़की ने अक्टूबर 2019 में टिकटॉक पर अपलोड की थी, क्योंकि कैला को लगता था कि उनका घर हॉन्टेड है और उन्हें अपने घर में किसी के होने का एहसास होता था। उनके घर में बहुत सी अजीब एक्टिविटीज होती रहती थी, इसलिए एक दिन जब उनके घर में कुछ बहुत अजीब हो रहा था तब उन्होंने अपना कैमरा ऑन कर लिया, और फिर उनके कैमरे में जो कैप्चर हुआ वो बहुत ही चौंका देने वाला था। कैला ने देखा कि उनके घर के स्टोर रूम का दरवाजा अपने आप खुल रहा था और अपने आप बंद हो रहा था। कैला ये मोमेंट अपने कैमरे में कैप्चर कर रही थी। इस वीडियो को देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को खोल रहा हो और फिर बंद कर रहा हो। कैला ने यह वीडियो टिकटॉक पर भी अपलोड की जो कि बहुत ही वायरल हुई थी। नंबर 7, इस वीडियो को द तीज 74 टिकटॉक यूजर ने 30 अक्टूबर 2019 को अपलोड की थी, और उनकी इस वीडियो पर 50 लाख से भी ज्यादा व्यूज हैं। जब ये शख्स अपने घर में सो रहा था तब उसे अपने घर के बाहर से कुछ बहुत ही अजीब आवाजें आना शुरू हो गई, जिसकी वजह से उनकी नींद खुल गई, और इन आवाजों को सुनने के बाद वो बुरी तरह से डर गया। उस आदमी को यह पता था कि लोग उसकी बात पर भरोसा नहीं करेंगे, इसलिए उसने रात में ही अपना कैमरा स्टार्ट किया और ये डरावनी आवाज अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना शुरू कर दी। ये आवाजें इतनी डरावनी है कि कोई भी इसे सुनकर बहुत ज्यादा डर सकता है। जरा आप भी इन आवाजों को सुनिए। इन आवाजों को सुनकर कोई भी ये कह सकता है कि ये आवाज किसी भी इंसान की नहीं थी, तो फिर ये आवाज थी किसकी? इस वीडियो को देखकर बहुत से लोग तो डर गए, लेकिन कुछ लोगों ने इसे फेक भी कहा। लोग कह रहे थे कि हो सकता है किसी ने ये आवाज को एडिट किया हो। आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? नंबर 6, टिकटॉक पर कुछ टाइम पहले एक मिरर चैलेंज चल रहा था, जिसमें लोग मिरर के साथ अपने वीडियोस बना रहे थे, और उन्हीं में से एक आई एम जस्टिन स्किमिट नाम के एक टिकटॉक यूजर भी थे। जब जस्टिन मिरर के सामने खड़े होकर टिकटॉक के लिए अपने वीडियोस बना रहे थे, तब अचानक मिरर में उनकी छवि ने स्माइल करना स्टार्ट कर दिया, जिसे देखकर वो डर गए और पीछे की तरफ हट गए। जब जस्टिन ने यह वीडियो टिकटॉक पर अपलोड की तब उसे देखकर लोग बुरी तरह से डर गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। ये वीडियो इरिटेट भी हो सकती है, लेकिन बहुत से लोग इसे सच बता रहे थे। उनकी ये वीडियो टिकटॉक पर बहुत ही वायरल हुई थी। नंबर 5, ये वीडियो गेला गर्ल्स फ्रॉम जर्मनी ने अपने टिकटॉक अकाउंट पर अपलोड की थी। इस आदमी को ये लगता था कि इनके बेटी के रूम में कुछ बहुत ही अजीब चीज है, क्योंकि इन्हें अपनी बेटी के रूम से दरवाजा नॉक करने की आवाज आती थी, और कई बार उनकी बेटी रात में अचानक से रोना शुरू कर देती थी। ये आदमी ऐसी जगह पर रहता था जहाँ इनके आसपास ज्यादा लोग नहीं रहते थे, और जंगल भी उनके घर से बहुत पास ही था, इसलिए उन्होंने सोचा कि उन्हें अपनी बेटी के बेड पर कैमरा लगाकर ये देखना चाहिए कि ऐसी क्या चीज है जिसे देखकर बच्ची रात में डर जाती है। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी के बेड पर कैमरा लगा दिया और उसे रात भर के लिए छोड़ दिया। अगले दिन जब उन्होंने कैमरे को चेक किया तब उन्हें उस कैमरे में जो चीज दिखाई दी वो बहुत ही हैरान कर देने वाली थी। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी के बेड पर एक बहुत ही डरावना चेहरा दिखाई दे रहा था, जिसे कोई बेड के अंदर सर रखकर लेटा हुआ हो। ये चीज क्या थी ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन ये जो भी था वो बहुत ही डरावना था, और आधी रात में इस डरावना चेहरे को देखकर एक बच्चे क्या एक बड़ा इंसान भी डर सकता है। इस घटना के बाद से उनकी बेटी उनके साथ ही सोती है, लेकिन इनके घर में कुछ ना कुछ अजीब चीज जरूर है। नंबर 4, ये वीडियो लेब्रिया नाम के इस लड़के ने अपने टिकटॉक अकाउंट पर अपलोड की थी। ये लड़का टिकटॉक पर लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए गेम्स खेला करता था। इसके पास एक मैनेकिन हुआ करता था। मैनेकिन उस डमी को कहते हैं
जिन्हें आपने कपड़ों की दुकान पर खड़े हुए देखा होगा। जब ये लड़का गेम खेलने के लिए अपनी चेयर पर बैठने वाला था, उसके पहले उसने उस मैनिकिन के फेस से एक डक की तरह दिखने वाला मास्क उतारा, और जब वो गेम खेलने के लिए अपनी चेयर पर बैठा, तब उसने अपने कैमरे में कुछ बहुत ही अजीब चीज को नोटिस किया। उसने देखा कि पीछे खड़ा हुआ मैनिकिन आगे की तरफ मूव कर रहा था, और इस मैनिकिन को मूव करते हुए देख वो लड़का बहुत ज्यादा चौंक गया। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसलिए उसने इस मैनिकिन के बारे में जानने के लिए उसे एक रूम में खड़ा कर दिया और उस रूम में एक मोबाइल रख दिया जिससे वीडियो रिकॉर्ड हो पाए। कुछ देर बाद उसे उस मैनिकिन वाले रूम से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी, जिसे देखने के लिए जब वो उस रूम के पास पहुंचा, तब उसने देखा कि उस रूम का दरवाजा अंदर से लॉक है जो कि खुल नहीं रहा है। इसलिए उसने खिड़की से रूम में जाने की सोची, और जब वो खिड़की से रूम के अंदर गया तो उसने देखा कि उसका पूरा घर बिखरा हुआ पड़ा था, और उसने जो मोबाइल रिकॉर्डिंग के लिए लगाया था वो भी पूरी तरह से टूट चुका था। जमीन पर काले रंग की मिट्टी पड़ी हुई थी और उस लड़के के कपड़े भी बिखरे हुए पड़े थे। ये वीडियो एक ड्रामा भी हो सकती है जो कि इस लड़के ने फेमस होने के लिए किया हो, या फिर ये वीडियो रियल भी हो सकती है। इस लड़के ने बताया कि ये वीडियो बिल्कुल रियल है, और इस दौरान उसका एक महंगा मोबाइल भी टूट गया। इसके बाद उस मैनिकिन का क्या हुआ, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। नंबर 3, ये वीडियो इंडिया के किसी पुराने इलाके की है, और इसे टिकटॉक यूजर टियाशा दास 62 ने अपलोड की थी। ये घर दिखने में बहुत ही डरावना लगता है, और ऐसा लगता है कि ये घर बहुत टाइम से बंद है और यहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं होगा। जैसा कि इस वीडियो में देखा जा सकता है कि इस घर में एक डार्क शेडो दिखाई दे रही थी, जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है कि ये शेडो किसकी थी और उस घर के अंदर कौन गया था। क्या आप जानते हैं कि ये वीडियो इंडिया के किस शहर की है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 2, टिकटॉक यूजर किम्बरली विंचेस्टर एक हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट करती है, और वो जहां पर काम करती है वो सर्जरी रूम के पास है, और साथ ही उनके पास ही हॉस्पिटल का मोर्ग एरिया भी है जहां पर मुर्दों को रखा जाता है, इसलिए रात में यहां पर कोई भी आता जाता नहीं है। इस लड़की ने बताया कि वो इस हॉस्पिटल में काफी टाइम से काम कर रही है। इन्हें इस बात पर भरोसा नहीं है कि इस दुनिया में घोस्ट मौजूद हैं, लेकिन उनके साथ जो हुआ उसके बाद उन्हें भी घोस्ट पर भरोसा हो गया। इस हॉस्पिटल के हर कोने में एंगल डोम मिरर्स लगे हुए हैं। ये मिरर्स 90 डिग्रीज का एरिया शो करते हैं, जिससे आप देख सकते हो कि इस कॉर्नर के आसपास कौन है। किम्बरली और उनके कोवर्कर्स ने यह दावा किया कि उन्होंने इन मिरर्स में कुछ बहुत ही अजीब चीजें देखी हैं। What the f***? Who is standing down that hallway? जैसा कि इस मिरर में आप देख सकते हो कि किम्बरली ने हॉलवे की दूसरी तरफ एक डार्क शेडो को खड़े हुए देखा था, लेकिन जब उन्होंने वहां पर जाकर चेक किया तो वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। Hey guys, it's Kimberly Winchester coming right back at you. Going to the corner where I recorded the video. So basically the ghost would be like standing right up in this area and I was recording over here. What the f-? अब किम्बरली को वही डार्क शेडो दूसरी तरफ दिखाई देती है, और इसके ही अगले दिन उन्होंने उसी डार्क फिगर को वापस नोटिस किया, लेकिन इस बार मिरर में नहीं। Bestie and me in my haunted section. What's scary? Okay, let's get it. Whoa! Dude, what the f*** is that, bro? Dude! Who the f*** is that? Dude, are you f***ing shitting me? No. Are you playing a joke on me? What the f*** is that? I'm gonna play a joke on you when I've been with Dude, you. Who the f*** is that? Oh my god, we gotta go. Dude, like, what the f*** is that, bruh? Like, who the f*** is here? Like, dude, what are you doing? Dude, like, what? Why are we actually doing this? What? Where the f***? Yo, who the f*** is out here? Who's f***ing doing this? Huh? Huh? Who the f***? Anybody? ये कोई इंसान था या कोई और, ये बताना तो मुश्किल है। लेकिन इस वीडियो की सबसे ज्यादा हॉरर क्लिप किम्बरली की एक कोवर्कर ने रिकॉर्ड की। क्या ये कोई स्पिरिट थी या फिर ये एक एडिटेड वीडियो है, इस बात का हमें भी कोई आइडिया नहीं है। लेकिन ये जो भी था, ये बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। नंबर 1,
ये वीडियो निक सिमिनो 68 नाम के टिकटॉक अकाउंट पर आपको देखने को मिल जाएगी। निक को हमेशा से ही अपने घर में कुछ अजीब सी पावर्स फील होती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि उनका घर एक हॉन्टेड हाउस है। लेकिन इन सभी चीजों के हद तो तब होने लगे जब उन्हें अपने घर में कुछ पेशेंट्स की आईडीज एक सीक्रेट डोर में छुपी हुई मिली। निक को यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि उनके घर में आईडीज किसने छुपाई। और इन आईडीज में हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि ये आईडीज 1965 के टाइम की थी और ये सभी न्यूयॉर्क के किंग्स पार्क साइकियाट्रिक हॉस्पिटल की थी। इस हॉस्पिटल को गवर्नमेंट की तरफ से बंद करवा दिया गया था क्योंकि इस हॉस्पिटल में पेशेंट्स को टॉर्चर किया जाता था। उन आईडीज को ढूंढने और उनकी जानकारी लेने के बाद निक ने बताया कि उनके घर में अजीबोगरीब घटनाएं होना और बढ़ गई। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि उन्हें अपने घर में सामान गिरने की आवाज आने लग जाती है। Like what? This is... Oh my God, what is going on? The sink is on. I literally hear the sink. What is going on? और ऐसा सिर्फ एक बार ही नहीं होता, ऐसा उनके साथ लगातार ही होता रहता है। जब वो अपने घर में सामान गिरने की आवाज का पीछा कर रहे होते हैं तब उनके सिंक से पानी गिरने की आवाज आने लगती है और ठीक इसके बाद ही उनकी टीवी भी अपने आप ऑन हो जाती है। और इस वीडियो को बनाते वक्त उनके डोरवे में एक शेडो मॉन्स्टर भी कैमरे में कैद हो जाता है जो कि निक वीडियो बनाते वक्त नोटिस नहीं कर पाते। निक ने बताया कि अब उनके साथ ये अजीब घटनाएं उनकी जॉब पर भी होना शुरू हो गई हैं। निक एक फ्रोजन योगर्ट शॉप पर जॉब करते हैं और यहाँ तक कि उनके साथ काम करने वाले लोगों ने भी अकेले काम करते हुए अपने आसपास बहुत सी अजीब चीजें होते हुए देखी हैं। निक सिमिनो का टिकटॉक अकाउंट ऐसी बहुत सी सुपरनेचुरल और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से भरा हुआ है। Okay guys, we were literally just about to leave my store when shit just started flickering again. This is the second time it's happened. My car's over there and I'm shaking right now. Okay. And her keys are in the f***ing bag. We need to go get my keys. And the light turned on. I don't want to go. Okay, well, I'm going to literally record this whole thing just so you guys can see what happened. I'm literally so f***ing scared. Okay, no, something. No. The bathroom light's on too. What the f***? What's this like? Bro, why are my keys on the floor? They were not there. Like, my dad has put them on the desk. Like, oh my God. We're 50 minutes past our shift because of this shit. We closed at 10. So we need to like, it's so dark because all the light switches are over here. Stop it. Okay. Okay. This is what I mean. Oh my God. This room is over. God. This is. Oh my God. This is what we're dealing with. Oh my God, yo, what the f***? Bro, Nick, did you f***ing do this on purpose? Did you f***ing fake this? No, I'm gonna be the f*** out of you, Nick. Stop! You're literally. Are you? No, wait. No. No. We're gonna peace out for the night. Okay. We're gonna peace out for the night. इन सभी के रिएक्शंस को देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये लोग नाटक कर रहे हैं। लेकिन ये रियल है या फेक, ये डिसाइड करना आपके हाथ में है। आपको इन सभी वीडियोस में से कौन सी वीडियो सबसे डरावने लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और इससे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।